ग्वालियर के कंपू थाना इलाके से 12वीं का एक छात्र कोचिंग जाने के दौरान अचानक लापता हो गया। दरअसल सत्येंद्र कुशवाहा दोपहर करीब 3:30 बजे घर से निकला। सवा घंटे बाद छात्र के पिता के पास एक मैसेज आया जिसमें छात्र के अपहरण की बात कही थी। अहम बात यह कि ये मैसेज छात्र के फोन से ही आया था। सत्येंद्र के पिता ने कई जगह उसे तलाशने की कोशिश की, जब कोई सफलता नहीं मिली तो उन्होंने कंपू थाने में मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। 3:30 बजे घर से निकला है और वो वापस नहीं आया अभी तक, और उसके बाद उसको 4 बजे कोचिंग जाना था अपनी बहन के साथ कंप्यूटर कोचिंग फिटनेस की गोद में। तो उसे हमने 3:52 से फ़ोन लगाना चालू किया, लेकिन मोबाइल उसका स्विच ऑफ जा रहा था। 4:52 पे उसके मोबाइल से मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया कि पापा मुझे बचा लो, नितेश नाम के लड़के के धोखे से मुझे किसी ने किडनैप कर लिया है और मैं अभी एक बैंक के अंदर हूँ। ये धीरज का बेटा है सत्येंद्र, ये करीब 3:30 बजे घर से गया था, वापस नहीं आया अभी, और उसका मैसेज भी आया था कि मुझे किसी ने पकड़ लिया है, और फादर ने फ़ोन भी लगाया था तो फ़ोन भी काट दिया है उसके पिता के पास। अब ये तो बाद में ही क्लियर होगा उसके उपस्थित होने के बाद।